साईं, इतनी दूर से चले आ रहे हैं हम, तुम जा कहां रहे हो, कुछ बताओ तो सही। हमें मदद कीजिए, मदद कीजिए हमें। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? पिछले 14 साल से इन्हें पेट दर्द की तकलीफ है। हर तरह के हकीम वैद्य को दिखाया, पीर फकीर के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले 2 साल से तो इनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई है। ऐसा कोई दिन नहीं बीता है जिससे इन्हें दर्द नहीं हुआ है। 2 दिन पहले ही हमें पता चला कोई फकीर बाबा है जो सारी बीमारी दूर करते हैं। उन्हीं से मिलने जा रहे थे हम, तभी दर्द के मारे गिर पड़े। डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि इन्हें कुछ हो ना जाए। सबूरी रखो, कुछ नहीं होगा इन्हें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? देखिए ना, कितना तड़प रहे हैं। और इस स्थिति में भी नहीं है कि हम कहीं जा सकते हैं। यहाँ आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। माई, कहीं कुछ नहीं भी हो तो भी वहां राम जी हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं। और हम ये भी भूल जाते हैं कि जहां राम जी हैं वहां डर नहीं रहता है। जहां राम जी हैं वहां संकट नहीं टिकता है। ये क्या है? माई, ये राम जी का प्रसाद है। राम जी भला करेंगे। आपने तो इसमें राख मिलाई, इसलिए तुम यहां आकर छिप गए। तो क्या करूं साईं? मुझे पता है कि अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, कोई भी मुझे उधार चुकाने और दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं देगा। उल्टा सब मुझे धोखेबाज समझकर सजा ही देंगे। तुम तो सजा के डर से भाग आए, लेकिन तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे परिवार पे क्या बीतेगी, ये कभी सोचा? व्यापार करना तुम्हारा निर्णय था, तो इसकी मुश्किलें तुम्हारे परिवार वाले क्यों भुगते?
शशिधर, हालात से भागकर कभी कोई जंग जीती नहीं जाती, कभी कोई संकट हल नहीं होता। एक बार ये तो सोचो, जब लेनदार तकाजा करेंगे तो तुम्हारा परिवार उनसे कैसे निपटेगा? आप सच कह रहे हैं साईं, मैं अपनी परेशानी में इतना खो गया कि इन सब के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं अभी अपने घर वापस जाऊंगा और अपने लेनदारों से माफी मांगूंगा। अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो जो भी सजा वो मुझे देंगे वो मंजूर होगी। तुम्हें कोई सजा देगा ही क्यों? उनके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा तो सजा तो देंगे ही ना। पैसे लौटाने का कोई जरिया भी तो नहीं है मेरे पास। किसने कहा तुमसे कि तुम उनके पैसे नहीं लौटा पाओगे? मुझे अपनी हालत पता है साईं, और मैंने आपसे कहा भी था कि अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आखिर कोई तुम्हारी मदद करे ही क्यों, जब तुम्हारे खुद के पास इतना सारा पैसा है? मैंने अभी अभी आपको बताया ना साईं कि मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं, गले तक कर्ज में डूब चुका हूं मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं साईं, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, तो डालो अपनी जेब में हाथ और साबित करो। साईं मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? लीजिए, देख लीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.